बक्सर जिले के नवानगर थाना क्षेत्र के रूपसागर निवासी छोटक महतो के 20 वर्षीय पुत्र चंदेश्वर उर्फ चंदन की मृत्यु विगत दिनों नवानगर मुख्य मार्ग पर ट्रक एक्सीडेंट में घायल हुआ था, जिसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस मृतक परिवार पर टूटे पहाड़ का दुख रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसे मिलने का रूपसागर ब्रज कुमार सिंह के ऑफिस प्रांगण में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, जिसकी अध्यक्षता पंचायत संघ के चेयरमैन मुख्तार यादव ने की। यह मानव और पीड़ित परिवार के सहयोगात्मक कार्यक्रम का आयोजन एंटिक के जिला वाइस प्रेसिडेंट ब्रज कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। सभी वक्ताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद करने की बात कही। अपने उद्बोधन में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मृतक परिवार पर पहाड़ टूटा हुआ है, ऊपर से पुलिस भी उस परिवार पर केस करके आफत का कहर बरसा रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर पहुंचे डुमरा विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी पप्पू यादव ने कहा कि यह घोर अपमान है, जिसकी आवाज संसद में उठाई जाएगी। इस मौके पर पीड़ित परिवार व मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर पवित्र आत्मा की शांति के लिए कामना की गई। आए हैं अभी राहत के लिए, बहुत प्रयास किए हैं और आगे भी करेंगे। बहुत अच्छा खासा हम आप परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ हैं। आप निरंतर कुशवाहा जी के साथ में हैं, बहुत दिन से उनके पार्टी जुड़ी हुई हैं। ये परिवार पर काफी मैंने मर्माहित है आज के दिन। तो इस पर किस तरह की पहल की जाएगी? जी, जो सरकार की जो फंड है जो मिलनी चाहिए, उनका अधिकार वापस उनको मिलनी चाहिए। अपना नाम बताएंगे आप? रिंकू कुशवाहा। चाहिए कि बच्चा है, छोटा है, उसका परिवार में कोई है नहीं, तो उसको भी बढ़िया से देखरेख की जाए। अपना नाम बताएंगे आप? धन्यवाद, शुक्रिया। रिंकू कुशवाहा। सर, इस पीड़ित परिवार के सहायता के लिए किस तरह की सर पहल की जाएगी? देखिए, इसमें हमारी बात प्रशासन के अधिकारियों से हुई है, पहले भी हुई है। मुआवजा पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मिलेगा, उस पर बात हो गई है। और उससे भी अलग कुछ लोग इस घटना के बाद जो प्रतिक्रिया हुई उसके कारण से मुकदमा में फंसा दिए गए, निर्दोष लोग हैं। और स्वाभाविक रूप से कई घटना घटती है तो लोगों में आक्रोश होता है, तो इस कारण से लोगों का नाम आ गया है मुकदमा में। तो हमने पुलिस के भी अधिकारियों से बात की है, लोगों को कैसे राहत मिले और जो निर्दोष लोग हैं उनको किसी तरह के की परेशानी ना हो, तो इस पर भी बात हो गई है और इसका निदान हो जाएगा। जी, टीवी चैनल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।